कार्तिक जी कहाँ पर है? वो देखो आ गया। 100 साल की उम्र है बेटा तेरी। किशोर जी, मैं आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। क्यों कार्तिक, अचानक कौन सा काम आ पड़ा? तो तुम्हें सूरवी से दूर रहना होगा। कार्तिक बेटा, मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी थी, तो आज पूजा रखवाई है मंदिर में। शाम को मेरे साथ आ जाना। आई, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुश्किल है। मगर बेटा, पूजा तेरे लिए रखी है। मुझसे पूछ के रखवाई थी पूजा? ये सब करने के लिए वक्त नहीं मेरे पास। कार्तिक, का पैसे कैसे बात कर सकते हैं आई से? सुरभि प्लीज, ठीक है, अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे तो अच्छा ही है ना। आज आप हमारे साथ खुशी के स्कूल चलेंगे ना? आप नाश्ता कर लीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। तुम लोगों मेरी बात क्यों समझ में आ रही? मैंने कहा ना, मुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है। क्या मेरे बगैर इस घर में काम नहीं होगा? कभी कार्तिक यहाँ पर चलो, कभी कार्तिक वहां पर चलो, कभी ये करो, कभी वो करो, सारा काम कार्तिक करेगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे इस घर में? कार्तिक, क्या हो गया आपको? इसमें भी मेरी गलती है, मेरी गलती है इसमें। तो भी बस बहुत हो गया, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी, खास करके उन लोगों से जो मुझे समझते नहीं है। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मेरी बात सुनिए। कार्तिक, सुरभि, मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, तो वो कुछ भी कर सकती थी तुम्हारे साथ, हमारी खुशी के साथ। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना प्लीज। सेंट्रल जेल? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अनिकेत ऐसा कर सकता है। जो भाई उसे इतना प्यार करता है, इतना मानता है, उसे ही धोखा दे रहा है। लेकिन मैं अनिकेत को उसके इस गंदे इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उन सबको जिनसे तुम इतना प्यार करते हो ना, खत्म कर दूंगी मैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात सुनो। आज सूरज ढलने से पहले
तुम्हें उस जगह पर पहुंचना होगा, वरना ये घर घर नहीं शमशान बन जाएगा। सुरभि, तुम यहां क्या कर रही हो? सुरभि, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी असलियत के बारे में कभी पता नहीं चलेगा? पता नहीं चलेगा कि तुम ताई के साथ चाल चल रहे हो? बर्बाद करना चाहते हो ना मेरे परिवार को तुम? हाँ, कार्तिक इतना मानते हैं तुम्हें, इतना प्यार करते हैं, और ये सिला दिया तुमने। सुरभि, खबरदार, अब ये मत कहना कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किशोर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पता है कि ये सब कुछ अनिकेत की चाल है। नहीं सुरभि, गलत समझ रही हो तुम। कार्तिक जी सबके साथ बहुत अजीब तरीके से पेश आ रहे, इसलिए अनिकेत ने सोचा कि जाकर ताई से मिल ले, जाकर उनसे बात कर ले, उनसे पूछ ले कि ये कौन सा नया खेल खेल रही हो कार्तिक जी के साथ। लेकिन ताई ने कुछ भी कहने से मना किया। और सुरभि, मेरा यकीन करो, अरे मुझे तो ताई से मिले हुए एक साल से ज्यादा हो गया है। अगर तुम पिछले एक साल से ताई से नहीं मिले हो तो उस दिन उस रजिस्टर में तुम्हारा नाम कैसे था? इसका मतलब जरूर कोई चाहता था कि मैं तुम्हारा नाम देखूं वहां पर और तुम पर शक करूं। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? अनिकेत, इच्छा से कहां मिले तुम? बेंगलोर में, यही कुछ 10 दिन पहले। कार्तिक, मेरे पास आओ। तुम रुक क्यों गए? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कार्तिक, देखो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे जाने दो प्लीज। अगर तुम अपनी बेटी और बीवी को मरते हुए देखना चाहते हो तो जाओ, क्योंकि इसका अंजाम उन्हें ही भुगतना होगा। मैं अभी जाती हूँ उनके पास। नहीं, नहीं। देखो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने कहा था कि तुम उनके साथ कुछ नहीं करोगी। वादा करो, तुम उनके साथ कुछ नहीं करोगी। हम जैसे भी हो, तुम इंसानों की तरह न वादा तोड़ते हैं और न ही साथ छोड़ते हैं। अगर जो कहूंगी वो करोगे तो मैं भी कुछ नहीं करूंगी उनके साथ। ये वादा रहा कार्तिक, तुम भी अपना वादा निभाओ और चलो मेरे साथ। आगे बढ़ो।